नीचे घाटी में कोहरा बना हुआ है, अभी ये ऊपर ही आएगा सब। और भाई चाचा के घर से जो है मतलब बिस्तर से इतना बढ़िया नजारा दिखता है हिमालय का ये। मोच आ गई थी तो उस टाइम पे तो कुछ असर हुआ नहीं, तो अभी दर्द हो रहा है मतलब पाँव में थोड़ा। अरे भाई आमा ने क्या कर दिया हम भर को ये। प्यारे प्यारे दोस्तों, बसंत पंचमी का त्योहार है और आमा जो है त्योहार की तैयारी कर रही है। तो त्योहार बन गया है, बसंत पंचमी का त्योहार है आज, और भाई एक से एक लाजवाब आइटम बने हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो सुबह सुबह का नज़ारा है और इतनी सुबह है क्या बताऊँ, सुबह के 7:10 हुए हैं और हिमालय में धूप खिली रही है। अभी नीचे घाटी में तो आज कोहरा जम गया भाई, और ये कोहरा सीधे ऊपर ही आएगा और हमारा जो ये मकान है ना इसको ढक देगा पूरा। आज सुबह सुबह मेहमानों की एंट्री हो गई है, लंगूर आ गए ऊपर पहाड़ी से, आने दो इनको भी, देखा जाएगा। और दोस्तों हिमालय की सुंदरता देखने को मिल रही है, काफी सुंदर हो रखा आज, जबरदस्त। ये देखो भाई ये सुबह सुबह का नाश्ता मिल गया उनको तो, और आमा जो है बर्तन धोने के लिए रेडी है, और मुझे भी जाना है अभी बहुत दूर। कहाँ जाना है? रिचार्ज खत्म हो गया भाई मेरा। क्या करना है, कहाँ जाना है? वीडियो पूरी अपलोड ही नहीं हुई कल, आधी अटकी है, जो सुबह आती है ना, आज सुबह आया आनी थी जो कल की, वो ऐसी अटकी है नहीं आई अभी। रिचार्ज करने जाना है अभी। बकरी वाली चाचा जिंदाबाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं संजय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक और नए वीडियो लॉग में। तो दोस्तों मैं रहता हूं बेसिकली पहाड़ों में और रूबरू कराऊंगा आप सभी को पहाड़ के जीवन से। तो आज सुबह सुबह का समय है और टाइम हो गया आपका 7:22 और मौसम जो है साफ एकदम, थोड़ी बहुत धूप जो है हमारे ऊपर पहाड़ में आ रही है, और सुबह सुबह का नज़ारा भाई आमा जो है वहाँ पे बर्तन साफ कर रही है और वो छोटे प्राणी को हमने बाहर बांध दिया है क्योंकि वह बहुत आतंक मचा रहा है आजकल। पुथीली पुथीली क्यों बांधा तुम्हें यहाँ? पुथीली ओ पुथीली बैठो। हाँ, और भैया हमारी आमा ने सुबह सुबह बर्तन धो दिए हैं, इतनी ठंड में इनके मुँह से धुआं निकल रहा है अभी। मैं जा रहा हूँ बाबा, हाँ भी आ रहा हूँ। हाँ क्या बनाओगे खाने में? लड्डू पेड़ा बनाओगे? चलो मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों मैं निकल रहा हूँ सामने मकान में वहाँ पर को, तो ये पहला मकान है जो इतनी दूरी पे हमसे, बाकी तो ऊपर पूरा गांव रहता है। फिर दोस्तों आज कई दिनों बाद आमा का प्यारा बिल्ला, पाव भर का बिल्ला वापस आ गया है, तो लगभग 3-4 दिन से गायब था ये, पता नहीं कहाँ गया था। प्यारे दोस्तों मुझे जो है इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है चाचा के वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों कल रात जो है मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो रात को मतलब वीडियो आधी अपलोड हो गई थी, वो तो जैसे कल की वीडियो होती है ना तो आज अपलोड हो जाती है वो, मतलब आज आती है तो 6:30 तक आ जाती थी वो, आज नहीं आई होगी। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, फिर रिचार्ज कराएंगे, फिर वो वीडियो आएगी, बाकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी फिर। भाई यहीं तक आया मैं अभी, ना ना कुछ काम है। हाँ ओए प्राणी। और भाई चाचा के घर से जो है मतलब बिस्तर से इतना बढ़िया नजारा दिखता है हिमालय का ये, सुबह सुबह उठो और हिमालय देखो। चाचा का डॉगी पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चाचा के मकान से वापसी हो रही है, तो उनसे थोड़ा बहुत हॉटस्पॉट लिया और अपना जो है रिचार्ज करा लिया, तो थोड़ा धीरे चल रहा क्योंकि मेरा कल पाँव में मोच आ गई बकरी चलाने तक शाम को ना, तब मोच आ गई थी तो उस टाइम पे तो कुछ असर हुआ नहीं, तो अभी दर्द हो रहा है मतलब पाँव में थोड़ा बहुत, लाठी टैक की जो है धीरे धीरे लगा हूँ मैं। तो चलते फटाफट आमा जो है नाश्ता बना दी होगी, और टाइम हो गया 8:30 देख लो कितना हो गया है, 8:19 हुए हैं, तो घर जाते हैं, आग सेकते हैं, नाश्ता बनाते हैं और ये पाँव का इलाज करते थोड़ा बहुत। बोल रहे हो आमा ऊपर किनारे से ना? ठीक ठीक बाबा। हाँ अच्छा जी ठीक है बाबा। मैं तो भूल ही गया, आज आज बसंत पंचमी का त्योहार है तो इतना ठंडा में नहाने के लिए बोल दिया आमा। तो बसंत पंचमी के दिन क्या होता है बसंत पंचमी दिन है? क्या होता है उस दिन बसंत पंचमी के दिन क्या होता है?
तो आमा बता रही है नहा धोकर जो है जौ के पौधे रखते हैं सर में। तो फटाफट आदेश आया आमा का, जौ के पेड़ लाने हैं, पौधे लाने हैं, तो फटाफट लेके आते हैं नीचे खेत से। और हालत तो खराब है यार, चलने में दर्द करते रहा पाँव। अभी अभी याद आ रहा है आज गणतंत्र दिवस भी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं तो भैया बागेश्वर में अभी मतलब गाँव में हूँ, अभी अल्मोड़ा होते तो वहाँ पुलिस लाइन में मतलब बढ़िया घर की परेड देखते, क्या करे ऐसा सीन है। पहुँच गया हूँ जौ वाले खेत में और जौ थोड़ा बहुत सही हुए हैं, थोड़ा बहुत पता नहीं किसने चढ़ दिया यहाँ पर, कोई बीच में आने किसने पत्ते खा दिए हैं। तो कुछ पौधे तोड़ते हैं, आमा ने कहा है जहाँ पर हल नहीं लगा है वहाँ पर से, और चलते हैं अंदर, फिर नहाना भी तो है आज। नीचे घाटी में कोहरा बना हुआ है, अभी ये ऊपर ही आएगा सब। तो लगभग लगभग मैंने इतने पौधे तोड़ लिए हैं दोस्तों। मुझे तो अभी याद आ रहा है कि आज जो है बसंत पंचमी के दिन त्योहार भी होता है। सुबह सुबह का नजर है, आमा ने जो है पोछा लगा दिया है, तो पहाड़ों में से डेली पलटाना कहते हैं, तो जैसे कोई शुभ त्योहार होता है ना या कोई शुभ बार हो गया तो उस दिन जो है लाल मिट्टी से पोछा लगाते हैं हमारे पहाड़ में। त्योहार का दिन है और हमारी कारीगर आमा बना रही है गाजर का हलवा। बाबा अरे भाई आमा ने क्या कर दिया यहाँ पर, कोई थोड़ा मिट्टी लगाई और ऊपर जौ का पौधा रख दिया, देख आते नीचे भी कर रहे हैं, दरवाजे पे क्यों लगा रहे हैं, मतलब दरवाजे पे लगाते हैं। अच्छा आएंगे। अच्छा जी रुको रुको, हाँ ये इसको हमने सुबह बांध दिया था पुतीली को, यहीं पे पड़ा है, इसको खोल दें। जौ के पौधे दरवाजे पे लगाने का रिवाज करिए माँ। पहाड़ की रिवाज है। हाँ बाबा पहाड़ की रिवाज है फिर। हाँ चलो मैंने खोल दिया, उसको निकाल दिया बाहर, वो नाच रहा है अब। पुतीली आ जाओ, ये तो है ये यहाँ पे नाच रहा है ये दोनों प्राणी यहाँ पर आए हैं, ये बिल्ला और हमारा लाल वाला डॉगी। ये तो 4 दिन बाद आ रहा है घर वापस, तो ये दोनों यहाँ पे बैठे हैं कि आखिर मालिक पका क्या रहे हैं। जय हो प्रभु। तो दोस्तों स्वागत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की नसीन वादियों में। आज बसंत पंचमी का त्यौहार है, तो त्यौहार मना रहे हम लोग, आमा भी पूजा कर रही है। बसंत पंचमी कोई त्यौहार ना होकर एक क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं हम इसको, तो जैसे मौसम बदलता ना तो वैसे ही बसंत पंचमी के बाद मौसम बदलना शुरू हो जाता है। जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जिनमें पत्तियाँ मतलब गिर गई होती ना, तो उनमें नई कलियाँ आती है और भाई चिड़िया मतलब उनकी संख्या बढ़ जाती है। अभी प्रकृति ने हमारी तो पूरा नए 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 चेंजमेंट आ जाते हैं, नए नए पेड़ पौधे खिलने लग जाते हैं, मतलब बढ़िया नज़ारा बन जाता है उसके बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो गया आपका 10:46 और ये हमारा बकरा आ गया। ये जा भाई चल जा जा, जा घास खा के अभी जा, जा घास खा के जा बदमाश। और भैया धूप तो आई नहीं है और त्यौहार है बसंत पंचमी का आज, तो इंतज़ार धूप का। अरे भाई कोहरा सब पता नहीं कहाँ गुम हो गया, वो कोहरा गायब। अबे तू जा क्यों नहीं रहा ऊपर, चलो चलो बकरियो जाओ जाओ चलो चलो चलो। प्यारे प्यारे दोस्तों बसंत पंचमी का त्यौहार है और आमा जो है त्यौहार की तैयारी कर रही है, बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही है आमा आज, तो काफ़ी मजा आने वाला है। मोबाइल बोल रहा है मुझे भी खाना खिलाओ, बैटरी कम है इसमें क्योंकि, खाना खिलाओ उसको भी। हाँ और दोस्तों हमारी सेफ आमा ने जो है हलवा बना दिया है, को निकाल दिया है। अब हमारी कारीगर आमा ने आलू के गुटके भी बना दिए हैं अभी अभी, तो भाई बहुत आइटम बने हैं, आलू पूरी दो हलवे बस, उसके बाद भोग लगाएंगे, उसके बाद पार्टी करेंगे, क्या कह रहे हो? कितना खुश हुआ खाने के लिए फिर काम तो नहीं एक पैसे का। अरे बहुत काम किया मैंने, आलू गुटके बनाए सुबह सुबह, बकरियां खोल दी। आमा जो है प्रसाद बांट रही है, तो इतना आइटम तो मिल गया है, अभी थोड़ा और मिलेगा। अच्छा आलू रख लो उसमें, आवाज पत्ती तो चार ही लाया मैं। ये भाई त्योहार की प्लेट छज गई अपनी। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों तो त्योहार बन गया है बसंत पंचमी का त्योहार आज, और भाई एक से एक लाजवाब आइटम बने हैं, तो मैं इसके मजे लेता हूँ।
तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, क्या माहौल बनता है देखते हैं आगे। वहां से हमारे वाले चाचा आ रहे हैं और उनको देख के पुतीली भाग गया है। इतना चालाक प्राणी है ने। पुतीली आ गई तुम। आज कई दिन कई वर्षों बाद वो शुभ घड़ी आई है जब हमारा छोटा प्राणी नहा रहा है। आमा ने इसको ठंडे पानी में डाल दिया है, हैं? और ये भीगी बिल्ली है, दिख रहा है, लो शैम्पू से नहला उसको। टब ला पहली। कौन टब? अच्छा टब लाओ इसके लिए। ये बेचारे को नहला दिया आमा ने ऐसे ही और भाग रहा है। फिर नहाने के बाद अच्छा हो जाएगा ये। हाँ वाह, शैम्पू से नहाएगा है। अरे भाई ये तो पहचान में नहीं आ रहा अब। नहीं वो आ जाएगा, बिठा देंगे बोरे में इसको भी। बोरे में अच्छा। अबे पुतीली क्या हरकतें कर रहे तुम ये पुतीली। अरे 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 ये सफाई कर रहा है अपनी। ये 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 अबे यहाँ नहीं, बिस्तर गीला हो जाएगा तुम्हारा। अम्मा साहब देखिए खास करना हो। अरे अरे पुतीली 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 प्यारी पुतीली। अम्मा पुतीली क्या कर रहे हो तुम ये? ये तो साफ, इसने अपने आप को साफ कर दिया अभी। अम्मा हाँ। और भाई चचा जो है पुतीली को नहला रहे हैं। वाह पुतीली वाह, फिर से ये तंदुरुस्त हो जाएगा, नया मस्त वाला डॉगी बन जाएगा। हाँ नहा। अरे भाग गया अम्मा, पुतीली भाग गया अम्मा। पुतीली भाग गई अम्मा। नहाओ पुतीली नहाओ। तो कम 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 पानी कम उम ठंड पानी वाली बात है। पुतीली नहा रही है आज कई सालों बाद, दो ही महीने का तो है। पुतीली के लिए कंबल लाओ, ठंडा हो रहा है उसको। आमा आमा जल्दी कंबल लाओ, ठंडा हो रहा है उसको। अरे गड्ढा ला गया आमा। पुतीली ठंडा हो गया, तुमने नहा लिया? अरे तुम तो एकदम नीट एंड क्लीन लग रहे हो अब ये, हैं? बहुत बढ़िया नहा के हैं, गुड। नहा लिया तुमने? हैं नहा लिया मेरी पुतीली ने, बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, पलायन जो है ना आजकल पहाड़ में, तो उनका एक जो मुख्य कारण है ये भी है, ये हमारे मेहमान हैं, तो इनको भगाने आए हम अभी। वो देखो क्या डरा रहा, देख रहे हो? ओए आजा नीचे, आ जल्दी आ जा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ संजय और स्वागत करता हूँ आप सभी का। स्वागत या करो सामूगी है। तो आमा और मैं अभी जंगल से आ रहे हैं, मैं तो लंगूर भगाए ऊपर और आमा घास लेके आ रही है।